जैन स्टूडेंट्स, आज लेकर के आए हैं एक गुड न्यूज। स्वागत है आपका लर्निंग फोरम में। मैं प्रवीण तिवारी आपके लिए लेकर आया हूं एक गुड न्यूज लर्निंग फोरम टीम की तरफ से। लर्निंग फोरम टीम ने डिसाइड किया है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाले हैं ढेर सारे PYQs। हर चैप्टर का पिछले 10 साल के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे आपको ऑफलाइन सेंटर में। लिमिटेड डिमांड, ऑनलाइन भी मिलेगा। इस टेस्ट मॉड्यूल के अंदर इसको आप क्रैश कोर्स कह सकते हैं। प्रोग्राम नेम इज लर्निंग फेस्ट। लर्निंग फेस्ट इंक्लूड्स क्या क्या चीजें इंक्लूड कर रहा है और क्यों हो रहा है ये। फर्स्ट द मोड इंप्रूव योर बोर्ड एग्जाम परसेंटेज। ये टोटली सिर्फ बोर्ड एग्जाम को टारगेट करके किया जा रहा है, जिसमें बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड ही सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। अब देखते हैं कि क्या क्या चीज इसमें कवर की जाएगी। फर्स्ट, प्रीवियस ईयर उस चैप्टर से आए हुए क्वेश्चन। सबसे पहले एक दिन में वन शॉट क्लास चलेगी। वन शॉट सिर्फ उस चैप्टर का स्टार्ट किया। सपोज हम स्टार्ट करते हैं लाइट, तो लाइट का चैप्टर वेरी बिगनिंग लाइट क्या होता से लेकर के रे डायग्राम, उसका फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन तक सिर्फ एक क्लास में चलेगी। वो क्लास तब रुकेगी जब पूरा आपका चैप्टर कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट डे आज आपने पढ़ लिया, नेक्स्ट डे जब आपको बुलाया जाएगा देन आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर पे बोर्ड लाइन, जैसा बोर्ड में होता है वैसा ही एक पेपर मिलेगा आपको। वो पेपर आपने सॉल्व किया, उसके बाद नेक्स्ट डे आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। रिजल्ट मिलने के तुरंत बाद नेक्स्ट चैप्टर की क्लास सेम डे स्टार्ट हो जाएगी। उसी दिन रिजल्ट मिला, जो डाउट्स थे वो क्लियर हुए, फिर नेक्स्ट चैप्टर की क्लास उस दिन स्टार्ट हुई। फिर अगले दिन एक चैप्टर का टेस्ट हुआ। सिमिलरली ये पैटर्न चलता रहेगा थ्रू आउट द सिलेबस। फिर एक्सपेक्टेड डेट 20 जनवरी को हम लोग करने वाले हैं मॉक बोर्ड एग्जाम। मॉक बोर्ड एग्जाम में हम लोग प्रॉपर ध्यान रखेंगे राइटिंग पैटर्न इन पूरे एग्जाम। ये जो लर्निंग फेस्ट है इसका जो पूरा मोटो है कि किस तरीके से आप बोर्ड का परसेंटेज बढ़ा सकें। ये लर्निंग फोरम के अपने स्टूडेंट्स तथा जो अभी तक लर्निंग फोरम में इनरोल्ड नहीं है उनके लिए भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट कराए जाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्रैश कोर्स कराया जाएगा। जनरली आप इस कोर्स को क्रैश कोर्स बोलते हैं, इसमें सिर्फ पढ़ाया जाता है, बट यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, PYQ सॉल्व कराए जाएंगे और आपका एग्जाम होगा। सबसे बड़ी बात, हर सेकेंड डे आपको रिजल्ट मिलेगा। आज आपने टेस्ट दिया, एक दिन गैप करके अगले दिन आपको रिजल्ट मिल जा रहा है, जिससे कई बार ऐसा होता है बच्चों से हम लोगों ने डिस्कस करते हुए पाया है कि हमको तो लग रहा है कि क्वेश्चन सही है, बोलता है सर अच्छा है, जब हम उसको कॉपी चेक करते हैं और हमको नंबर साथ मिलता है कि कम मिला। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन ठीक होता है पर टीचर्स के रिगार्डिंग उसमें कुछ कमी रहती है। ठीक, दूसरी चीज जो टेक्निकल वर्ड्स उसमें यूज करने हैं, क्या क्या टेक्निकल वर्ड्स हैं जो एग्जैक्टली लिखा जाना चाहिए, जैसा कि बोर्ड की मार्किंग स्कीम में होता है, उसको भी हम अवेयर कराएंगे कि बच्चों को बोर्ड के मार्किंग के स्कीम के अकॉर्डिंग कैसे लिखना है, बोर्ड कॉपी में राइटिंग पैटर्न क्या है, किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। ऑल वी नीड फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन That we will do in the learning fest. सभी बोर्ड के बच्चे, चाहे वो CBSE हो, ISC हो, UP, सबके अलग अलग पेपर होंगे अकॉर्डिंग टू देयर बोर्ड और सारा अरेंजमेंट अलग अलग होगा। एक बेहतर रिजल्ट के लिए बढ़िया बोर्ड का एग्जाम इंप्रूव करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके बोर्ड का रिजल्ट इंप्रूव हो और एक अच्छी फैकल्टी आपको इस एग्जाम के लिए आपको गाइड करे, तो स्टे ट्यून्ड विद लर्निंग फोरम। थैंक यू। जय हिंद।